Hello guys, welcome back to my channel. Thank you for watching this. I am Renu and you are watching Renu's Way. आज का वीडियो होने वाला है ऑल अबाउट माय फेवरेट परफ्यूम्स या फिर जो परफ्यूम्स मेरे पास है जो मैं ओन करती हूँ उन सबको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो फिर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखते रहिए. जो सबसे पहला परफ्यूम है वो ये है, इट्स कॉल्ड बॉडी एंड इट्स दिस इज बाय बर्बरी ब्रांड और इसका प्राइस आप देख ही रहे हैं यहाँ पर. और इसका जो बेस है वो सैंडलवुड और वेनिला है. बहुत ही फ्रूटी स्मेल है इसका और ये आराम से, ये जितने भी ब्रांडेड परफ्यूम होते हैं ये आराम से 7-8 घंटा तो रहते हैं. कई बार तो आप वॉश भी कर लेंगे अपने क्लोथ उसके बाद भी उसकी स्मेल जाती नहीं है. तो यार दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स. सो द नेक्स्ट वन इज दिस लैकॉस्ट परफ्यूम, इट्स कॉल्ड परफ्यूम अगर ऐसे बोलते तो परफ्यूम. एंड इसका जो बेस है वो बहुत ही फ्लोरल है, लाइक रोज एंड डिस्कस ये सब आपको इसमें स्मेल करने को मिलेगा. और ये भी ब्रांडेड आराम से 8-9 घंटा चलेगा आपका. बहुत अच्छा खुशबू है इसका एंड प्लस अगर आप जा रहे हैं जैसे लंच वगैरह या फिर कोई डेट्स वगैरह पे तो आप इसको कैरी कर सकते हैं. बहुत ही फेमिनिन स्मेल है इसका. सो जो नेक्स्ट है वो भी लैंकम का ही परफ्यूम है, इट्स कॉल्ड ट्रेसर इन लव. इसकी बॉटल और पैकेजिंग देखिए अब कितना क्यूट है. ये छोटा सा रिबन भी दिया है यहाँ पे. इट्स अ वेरी फ्लर्टी फ्रूटी फ्लोरल स्मेल है इसका. बहुत जैसे रोज और जैस्मिन इसके अंडर नोट्स हैं. डेफिनेटली आप इसको अपनी डिनर डेट्स नाइट आउट वगैरह पे इसको कैरी ऑफ कर सकते हैं और ये भी आराम से आपका रहेगा लंबे टाइम के लिए. सो या द नेक्स्ट वन इज दिस क्यूट लिटिल बॉटल फ्रॉम ज़ारा, इट्स कॉल्ड ओरिएंटल एंड ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है. और प्लस आपको ये जो स्मेल है ये वेनिला और कैरमल की स्मेल है. If you like that smell, so this is the perfect perfume for you. And I really, really like this one. और ये डेली वेयर के लिए मैं यूज करती हूँ बिकॉज एक्सपेंसिव भी नहीं है इतना, तो इतना बार बार लगाने में चुपता भी नहीं है. तो या ये वन इज दिस एप्पल लाइक लुकिंग बॉटल, दिस इज फ्रॉम नीना रुकी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड नीना ओनली. एंड इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. जब मुझे मेरी फर्स्ट सैलरी मिली थी तो सबसे पहला परफ्यूम जो मैंने खरीदा था वो यही था. And I really like this. इसका जो बेस है वो एप्पल और मस्क है. इसकी बहुत ही सिट्रसी स्मेल है और बहुत ज़्यादा आप यकीन कीजिए कि कोई ना कोई तो आपसे जरूर पूछेगा कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया. इट्स रियली नाइस, यू शुड ट्राई दिस. सो द नेक्स्ट वन इज दिस बॉटल फ्रॉम एवॉन, इट्स कॉल्ड लिटिल ब्लैक ड्रेस. और ये भी ज़्यादा महंगा परफ्यूम नहीं है बट स्टिल अकॉर्डिंग टू इट्स ब्रांड एंड प्राइस काफ़ी अच्छा स्टेन पार है इसका और बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी. ये मैंने डिस्कवर किया था व्हेन आई वाज इन कॉलेज बिकॉज एवॉन में यू नो ऐसे लोग होते हैं जो आपको अप्रोच करते हैं. एंड देन आई ट्राइड दिस वन एंड दिस वन आई थिंक इट्स देयर हाईएस्ट सेलिंग परफ्यूम्स. और इसका जो नोट है वो ओरिएंटल है तो आप ट्राई कर सकते हैं. इट्स अ नाइस वन. सो या द नेक्स्ट वन इज दिस क्यूट बॉटल विद फ्लावर्स ऑन टॉप ऑफ इट, दिस इज बाय वेलेंटिनो एंड इट्स कॉल्ड वेलेंटीना. और इसका जो स्मेल है बहुत ही फ्रूटी है, लाइक बबल गमी टाइप फ्रूटी फ्रूटी टाइप स्मेल है इसका. बहुत ही क्यूट फेमिनिन सा इसका स्मेल है. तो इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस वन एंड इसका स्टिंग पावर भी सुपर सुपर लॉन्ग स्टे रहता है इसका, कपड़े वॉश करने के बाद भी रहेगा. सो या द नेक्स्ट वन इज दिस बॉटल विच इज फ्रॉम डियोर, इट्स कॉल्ड हिप्नोटिक पॉइजन. और इसके जो अंडर नोट्स हैं बहुत ही स्पाइसी हैं. स्पाइस जैसे सिनेमन वगैरह आपको इसमें स्मेल करने को मिलेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसका. सो या सो द नेक्स्ट इज दिस शॉप फ्रॉम सीके, इसका बहुत ही फ्लोरल प्लस ओरिएंटल स्मेल है और इसका बेस ऑफ चॉकलेट है. तो अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो ज़रूर आपको ये भी पसंद आएगा. और दिस इज़ अ डेली वेयर परफ्यूम और ज़्यादा इसका स्टेइंग पावर अराउंड 3-4 आवर्स ही है अकॉर्डिंग टू मी. तो या दिस वन नेक्स्ट वन इज दिस फ्रॉम प्राडा, दिस इज अ ट्रैवल साइज बॉटल, इट्स कॉल्ड कैंडी. बहुत ही क्यूट लिटिल इसका बॉटल है जस्ट लाइक दैट.
और इसका जो स्मेल है उसका बेस आपको मिलेगा बहुत ही फ्रूटी कैरमली वेनिला टाइप इसका स्मेल है और इसे बड़ा भी आता है बट दिस इज अ ट्रैवल साइज बॉटल यू कैन इजीली पुट इट इन योर पर्स एंड जस्ट यू आर गुड टू गो सो या दिस वन आल्सो सो द नेक्स्ट टू परफ्यूम्स दैट आई हैव आर दीस टू बेसिकली दीज आर नॉट विमेन परफ्यूम दीज आर मेन परफ्यूम बट समटाइम्स आई रियली लाइक टू पुट द मेन्स परफ्यूम क्योंकि उनका स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और कभी कभी मेरा मन करता है कि स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले परफ्यूम यूज़ करूँ सो या और वाई नॉट ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि विमेन मेन का परफ्यूम नहीं लगा सकते हैं सो या दीज टू दिस वन इज कॉल्ड एल्योर दिस इज फ्रॉम शैनेल और इसका जो स्मेल है बहुत ही फ्रेश और एकदम सेडक्टिव सा स्मेल है इसका और इसका जो बेस नोट है आई थिंक फ्रूट ही है और जो नेक्स्ट है मेंस परफ्यूम में इट्स कॉल्ड विनर नंबर वन बाय जॉर्जियो वेरिनो और इसका जो स्मेल है अगेन दिस इज वेरी स्पाइसी अंडरनोट इट हैज सैंडलवुड एंड स्पाइस सो या दिस ऑल्सो स्टेज फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम सो इफ यू वॉन्ट समथिंग टू वेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम सो यू कैन ट्राई दीज टू सो द नेक्स्ट टू आर दीज बॉडी मिस्ट ये बेसिकली परफ्यूम तो नहीं है बट ये बॉडी मिस्ट है फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट this is called sheer love and the one is called sheer love and the other is called pure seduction so ye dono hi zyada long stay to nahi hai but you can just top it up if agar aap kahin on the go hain so you can just put it in your purse and just top it up if you're going somewhere really important one has a very floral undernote with cotton flower and lily and so this one which is called pure seduction is also floral in रेड प्लम इसका अंडरनोट है सो या दिस टू आई मिस सो गाइस दिस इज इट बस ये था मेरा परफ्यूम कलेक्शन और अगर आपको इसमें से कोई भी ट्राई करना है तो आप जा सकते हैं ऑनलाइन या फिर आप ड्यूटी फ्री शॉप से भी ले सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बाकी दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो ना ही मैं कुछ शो ऑफ करने की ट्राई कर रही हूँ मैं सिर्फ वही दिखा रही हूँ जो मेरे पास है अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए